माननीय प्रधानमंत्री जी को गोविंद देव गिरी जी महाराज वस्त्र भेंट कर अपनी कृतज्ञता, प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं। अन्य महानुभाव सम्मानार्थ खड़े हैं। पेजावर स्वामी जी माननीय डॉक्टर मोहन राव जी को महंत दिनेन्द्र दास जी योगी आदित्यनाथ जी के प्रति योगी आदित्यनाथ मैं दिनेन्द्र दास जी यही है जहां पे अब मंच पे यानी पूजा के बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंच पे अब सभी लोग मौजूद हैं, जहां पे नृत्य गोपाल दास जिनके चरण भी छुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ, चंपत राय, ये सभी लोग वहां पे मौजूद हैं और एक एक करके इस वक्त सभी को सुनना होगा। इस वक्त मंच पे चंपत राय माननीय प्रधानमंत्री जी वो बातें कह भी रहे हैं। अब दिल्ली में संभवतः प्रधानमंत्री यहां से अपना संबोधन देंगे और संबोधन में जाहिर सी बात है कि जो ये लंबा सफर तय किया है, जिनका जिनका योगदान रहा है, एक जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिनके बारे में चर्चा करते हैं नृत्य गोपाल दास, वो स्वास्थ्य के लिहाज से अब कहीं जा आ नहीं सकते, लेकिन जब भी चाहे भूमि पूजन का कार्यक्रम हो या आज का दिन, आज उनको इसी तरीके से लाया गया है और आनंदीबेन पटेल भी तस्वीरों में नजर आ रही है। आज दो लोगों को सुनना वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। सीएम योगी आदित्यनाथ की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये सच है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी बहुत कदम उठाए गए, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी निगरानी में सब कुछ देखा, सब कुछ संभाला और कैसे अयोध्या दिन रात बदली, जिसकी कल्पना किसी ने की नहीं थी कि ये अयोध्या नगरी क्या इस तरीके से होने वाली है। जन्मभूमि मंदिर के अब जो राम मंदिर का प्रारूप है वो तोहफा स्वरूप सौगात के तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम योगी आदित्यनाथ देते हुए ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें बेहद खास है और जो जिस बात की मैं चर्चा कर रही थी कि देश के प्रधानमंत्री अब से जब वो यहाँ संबोधित करेंगे तो भारतवर्ष के जितने गणमान्य लोग हैं, चाहे अलग अलग क्षेत्र के हो, राजनीति से जिनका ताल्लुक हो, धर्म से जिनका ताल्लुक हो, फिल्मी दुनिया से जिनका वास्ता हो, उन सभी के अलावा और भी यहाँ पे जो आम नागरिक या जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में कुछ बेहतर किया है वो सभी मौजूद है। उन सभी के सामने ये बताना, ये दर्शाना कि ये संघर्ष कितना लंबा रहा। साधु सन्यासियों के तो आंख आज भर गई जब उन्होंने ये दृश्य देखा जिसके लिए उन्होंने इंतजार किया। इस अयोध्या नगरी को हर दिन उन्होंने दिवाली के तौर पे मनाया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि जब त्रेता युग में जैसे राम 14 वर्षों के बाद लौटे हैं, उसी तरीके से इस अयोध्या नगरी में भी जरूर लौटेंगे, क्योंकि इस अयोध्या नगरी के बारे में कहा जाता है कि कण कण में राम व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि जो इस मंदिर परिसर में है वही राम के समीप है, वही राम के करीब है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अयोध्या नगरी के अलग अलग इलाकों में या फिर इसके अलावा भारत के किसी भी कोने में जहां वो राम को स्मरण कर रहे हैं, राम उनके समीप है। राम के बारे में दूर देश से बैठे हुए लोग सोचते होंगे कि ये कौन प्रभु है जिनकी इतनी चर्चा हो रही है, जिनकी इस तरीके से पूजा हो रही है। उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, राम वो है जिनके छवि के तौर पे औरतें चाहती हैं कि अगर पति हो तो राम स्वरूप जैसा, अगर बालक हो तो राम रामलला जैसा। हमारा संपूर्ण राष्ट्र और पूरा विश्व भी आज भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आरंभ हो चुका है।